Well, hello everyone. Now the chaos with MDA CET continues. Kaltak, a story chal or Aaj, CET cell has come up with some new updates as far as the re-examination is concerned. So, ye a new notice jo hai, CET cell ne jari kiya hai wherein they are saying that candidates who face the technical issues and who wish to reappear for the re-exam, consent for this re-exam is made available in their login. तो अगर आप अपने होम पेज पे लॉग इन करेंगे तो मेनी ऑफ यू वुड हैव गॉट दिस दैट इफ इफ यू यू वांट टू टू विश विश फॉर द एग्जाम यू कैन ठीक है कुछ लोगों को उसमें एक प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है सो वेर एन यू प्रोसीड आपको तीन बार क्वेश्चन पूछा जाएगा वुड यू अपियर वुड यू लाइक टू अपियर फॉर द री टेस्ट इफ यू यू बिकम एलिजिबल फॉर द री टेस्ट एंड यू कैन गिव द री ठीक है दूसरे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स सी हैं जिनको पॉपअप आ रहा है लेकिन अभी तक उनको प्रोसीड का ऑप्शन नहीं आ रहा है सो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ फ्रॉम दो स्टूडेंट्स की मैम हमको पॉपअप आ रहा है लेकिन प्रोसीड का ऑप्शन नहीं आ रहा है सो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स आई वुड जस्ट रिकमेंड वन थिंग गाइज जस्ट टेक अ स्क्रीन ऑफ योर होम पेज ठीक है और आप सी सेल को इसको मेल करो इन्फॉर्म देम और कॉल टेल देम की मेरे को सिर्फ पॉपअप आ रहा है प्रोसीड को ऑप्शन नहीं आ रहा है so दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हाईलाइट किया है उन्होंने इज दैट अभी जो री एग्जामिनेशन है उसका डेट चेंज करके संडे विच इज थर्टी अप्रैल फ्रॉम नाइन ए एम टू इलेवन थर्टी ए एम कर दिया गया है दिस इज बिकॉज टू चेंज दिकॉज उनकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्जाम्स तो इसीलिए पॉसिबल नहीं था इतना कर्टे दिखाया है कि उन्होंने जो एग्जाम है वो थर्टी अप्रैल को रिस्केड्यूल कर दी है तो अब आप लोगों की एग्जाम फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका नाम लिस्ट में है जिनको वन एटी मिनट्स मिले हैं वो लोग को तो रीअपियर किया करना ही है आई एम रिपीटिंग अगेन अदर पीपल हु विश टू रीअपियर और जिनके पास प्रोसीड का ऑप्शन है ऑल ऑफ यू गाइज आपकी एग्जाम अब होगी थर्टी अप्रैल को अनादर वेरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो सी डी सेल ने रिलीज किया है इज दिस लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दे हैव मेड अ न्यू लिस्ट दिस इज अ न्यू अपडेटेड लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड देर नेम्स जिनको वन एटी मिनट मिला था इंस्टेड ऑफ द मैंडेटरी तो कल कुछ स्टूडेंट जिनको 150 minutes ही मिला था जिनको 180 minutes मिला भी नहीं था उनका भी नाम इस लिस्ट में था तो बहुत स्टूडेंट्स ने सी डी सेल को कंप्लेन किया था उनको मेल्स किए थे उनको कॉल्स किया था कि वी हैव नॉट रिसीव वन एटी मिनट्स काइंडली डिस्कार्ड आर नेम्स बिकॉज वी डू नॉट वॉन्ट टू गिव अट तो उसको मद्देनजर रखते हुए सी सेल ने ये स्टेप उठाया है कि उन्होंने वो स्टूडेंट्स के नाम जो है डिस्कार्ड कर दिए हैं तो पहले अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स थे और अब अगर आप देखेंगे सो देर आर टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी स्टूडेंट्स ठीक है दस हजार जो है देर आर टेन थाउजेंड थ्री सॉरी देर आर टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी स्टूडेंट्स सो ऑब्वियसली करीबन 170 सेवेंटी स्टूडेंट जो है उनका नेम जो है वो माइनस कर दिया गया है क्योंकि उन स्टूडेंट्स को जेन्युनली 150 फिफ्टी मिनट ही मिले थे 180 एटी मिनट्स नहीं मिले थे इन अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू स्टिल हैव सम समॉब्लम्स इफ यू आर लाइक कि मेल कैसे करना है या उनको कॉन्टेक्ट कैसे करें आई हैव सम अदर इशू आई हैव सम अदर क्वेरी सो गाइज आई वुड जस्ट रिकमेंड वन थिंग वॉट यू कैन डू इज आप पहले तो सी टी सेल की वेबसाइट पे जाइए अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सम स्टूडेंट्स हु जेन्यूनली या उनको फिर भी डिलेमा है और जिनको कॉन्टेक्ट करना है सी टी सेल को दे आर आस्किंग हम सी टी सेल को कॉन्टेक्ट कैसे करें तो गाइज अगर आप सी टी सेल के होम पेज पे जाएंगे चेक दिस टॉप राइट पे सीटी सेल की वेबसाइट के टॉप राइट पे उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया है विच आर ऑपरेटिंग फ्रॉम नाइन ए एम टू सेवन पी एम दो कॉन्टेक्ट नंबर दिए है आप उनको प्लीज़ कॉल कीजिए वो आंसर कर रहे हैं इफ़ यू चेक द कॉन्टैक्ट अर्ज ऑल्सो गाइज कॉन्टेक्ट अर्स का पार्ट है यहाँ पे सी टी सेल में ये दो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं और ये उनका ई मेल आई डी भी है एम एच टी सी टी ट्वेंटी थ्री डॉट सी टी सेल डॉट एट जी मेल डॉट कॉम तो ये ईमेल आईडी भी दिया है ये हेल्पलाइन नंबर्स भी अवेलेबल है आप नाइन ए एम से सेवन पी के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं और अगर आपको रीटेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है इवन दो यू हैड फेस टेक्निकल इश्यूज यू कैन राइट देम अ मेल सेंड दैमेल स्क्रीन शॉट इन्फॉर्म देम अलॉन्ग विथ योर डिटेल्स योर एप्लीकेशन आई डी योर रोल नंबर एवरी कि आई एम नॉट गेटिंग एन ऑप्शन फॉर रीटेस्ट वॉट एम आई सपोज टू डू ठीक है सो मेक श्योर यू डू दिस दूसरी एक और चीज जो है नोटिफिकेशन uh, में जो उन्होंने हाईलाइट किया है कि री एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है आई मीन द एप्लीकेशन फॉर री एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी अवेलेबल फ्रॉम ऑफ अप्रैल टू अप्रैल तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आइडियली इलेवेंथ डे होने वाला था विच इज टूमोरो लेकिन अब ये जो लास्ट डे है वो फोर्टीन अप्रैल है ठीक है तो चौदह अप्रैल तक आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके अपने जो भी क्वेरीज है वो रिजोल्व कर सकते हैं Agar if you want to give a retest please send them a mail call them up and ask them what am I supposed to do okay? for those of you jinka naam abhi bhi list, mein hai, you have no option but to give a retest or Jke option hai, you decide take a good judgment whether you want to give the retest or not okay? so if you have any queries with respect to this exam with respect to anything feel free to mention them in the comment section below I'm trying to answer everybody's queries. TK, if you want to contact me, I am attaching my Instagram channel in the description. You can send me a message on my Instagram channel. I'll try to answer your queries there as well. So this is it from my side. Thank you so much. Bye bye. Take care and all the very best.